अभी अभी मैसेज आया, उन्होंने माइक्रोवेव ओवन मंगवाया था, वो आ गया है। के तो चले फिर जाके ऑर्डर पिक कर लेते हैं। मतलब ये जो ट्रे होती है ना, ये शायद इसके ब्रांड में कुछ है। हमें क्या है, ये पिज्जा के, ये पे ये सब। अच्छा, ये फ्रेंड्स की शेयर इन दे आना चाहते हैं। ऑल न्यू फ्रेंड्स प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ना भैया, तो फ्रेंड्स मैं स्कूल से वापस आके मैंने कपड़े चेंज किए हैं, और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अभी मैं अंदर आ गया हूँ, मैं अंदर आया हूँ। यसरा, तो ये भी उठी हुई है। यसरा ये देखो, हुई और फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने मम्मा के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सरप्राइज उनको की थी। और फ्रेंड्स अब हम लोग मम्मा के लिए एक और सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि आप हम लोग मम्मा को जो चीज़ देंगे सरप्राइज में, वो है माइक्रोवेव ओवन। क्योंकि हम लोग वो क्यों ले रहे हैं मैं वो आपको बताता हूँ। हम लोगों को ये ऑटोमेटिक है माइक्रोवेव ओवन मंगवाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों के पास वैसे तो दूसरा गैस वाला कुकिंग रेंज जिसको कहते हैं वो है नीचे, उसके ओवन है, लेकिन वो जो है ना उसके एक ग्रिल ख़राब हो गई है, टूट गई है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं वो कभी फूस हो जाती है, कभी कुछ होता है। मम्मा जब भी केक बनाती हैं एक साइड से फूल जाता है, एक साइड से फूस होता है, कप केक तो फूलते ही नहीं है, पिज़्ज़ा भी हमारा सही नहीं बनता, तो इसीलिए हम लोग वो मंगवा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि मम्मा के परेशान होती हैं कि कोई भी चीज़ सही नहीं बनती, और उसकी हीट भी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से एक साइड से चीज़ सही बनती है और एक साइड से सही नहीं बनती। तो बस इसी तरह हम लोग का प्लान बन गया कि अब हम लोग मम्मा के लिए माइक्रोवेव ओवन ऑर्डर करते हैं, वो भी हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। ओए, और फ्रेंड्स हम लोग ऑनलाइन इसलिए ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि कल जब हम लोगों ने मार्केट में पता किया था तो वो मार्केट में ज़्यादा महंगा था, लेकिन ऑनलाइन मंगवाने में वो सस्ता है, तो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स बाबा ने माइक्रोवेव ओवन ऑर्डर कर दिया है, तो आज से अभी कुछ ही देर में हमारा माइक्रोवेव ओवन आ जाएगा। फ्रेंड्स अब जैसे ही वो आएगा मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा, जैसे मशीन की दिखाई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ओवन आएगा तब मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम है, मैं अभी दिन का खाना खाने के बाद अभी नमाज पढ़ के आया हूँ। अभी मैसेज आया है कि हम लोगों का वो जो हम लोगों ने माइक्रोवेव ओवन मंगवाया था वो आ गया है, अंकल बाहर ही खड़े हैं गेट के, तो चलें फिर जाके ऑर्डर पिक कर। फ्रेंड जी आ गया हम लोगों का माइक्रोवेव ओवन, भारी तो नहीं है ज़्यादा ये। फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको दादा के कमरे में लेके आए हैं। ये बेकिंग है, दूसरा है। वाओ, ये देखो ना भैया, और इसमें भी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा माइक्रोवेव ओवन, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा भी है और खुला भी है, बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स इसकी बाकी चीजें इधर है। ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या चीज है, ये पिज्जा ट्रे है, इसमें पिज्जा बनेगा मेरे ख्याल में। पिज्जा फ्रेंड्स ये बिस्किट बनाने के लिए, इसमें बिस्किट्स वगैरह और कुकीज वगैरह बनाने के लिए ना जी। ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या चीज है। फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखा दूंगी इसको कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर ट्रे गरम है ना अंदर, तो इसको यूं ऐसे पकड़ के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो हमें फिर गर्म महसूस ना हो जी। इसके अलावा वारंटी कार्ड वगैरह और ये वो सब ये है। ठीक है। ये वारंटी कार्ड, ये मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या चीज है। देखिए फ्रेंड्स ये रेसिपी बुक है, इसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं। मसलन ये चिकन पॉट पाई है, ये स्पिनच एंड चीज कोच है, ये चिकन एंड मशरूम पाई है, इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका भी लिखा है, ये लिखे हुए हैं सारे। ये फ्रेंड्स ये इधर लगेगा जिसको पूरा चिकन बनता है, इसके ब्रैकेट्स भी है ना मम्मा, वो भी तुम का ब्रैकेट्स भी निकालो, ब्रैकेट्स भी निकालो, उसके अंदर पड़े हैं।
वो साइडों पे होते हैं ना ताकि वो चिकन होल्ड हो पूरा। ये निकाल दो, ये तो नहीं रखना अभी। ये हमारा पिज्जा बन रहा है। ये पिज्जा बना, पिज्जा बनने के लिए रख दिया हमने। ये नहीं है पिज्जा बनाने के लिए। नहीं कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये जो ट्रे होती है ना, ये शायद बिस्किट काइंड ऑफ चीजों के लिए। नहीं बिस्किट के लिए होती है ये, टिक्का वगैरह के लिए इस्तेमाल। हां मैं कह रहा हूं ये पिज्जा के, ये टिक्के, ये बिस्किट। अच्छा ये इसलिए होती है ऐसे सबसे नीचे रहे। अच्छा ताकि वो फिर खराब ना हो ना, नीचे खराब ना हो। मैं इसको पिज़्ज़ा ट्रे कह रहा हूं। तो पिज़्ज़ा ट्रे वो नहीं है, नहीं वो है ना, ये इसमें पिज़्ज़ा तो अपने पैन में बनता है, उसमें भी रखो। इसमें भी पिज़्ज़ा बन सकता है। नहीं ऐसे नहीं है, छोड़े इधर भी आ सकते हैं, उधर भी आ सकते हैं। मजा आएगा ना जो दिखती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। जब हम लोग कुछ बनाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ऑफ कर दो ऐसे। नाभिया का घर है ये। नाभिया दिखाओ। फ्रेंड्स ये मैंने नाभिया के लिए घर बनाया था। क्या भी रखा है और इधर डोर आप रखा हुआ है, इसमें लाभिया ने अपनी चीजें रखी हुई है। ये इधर है ना लाभिया, आप जो अंदर जाओ, आप अंदर जाओ जाओ अंदर जाओ। ये देखिए फ्रेंड्स विश्रा भी अंदर आना चाह रही है। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना सही था। अभी रात ज्यादा होगी इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा आने वाला है नया व्लॉग वक्त पर मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।